देखिए दोस्तों, अभी मेरा मोबाइल फ़ोन ओपन है, तो यदि मैं इसमें नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन बार दिखने लगेगा। लेकिन यदि मैं इसे लॉक कर दूंगा और फिर दोबारा से ओपन करूंगा, अब यदि मैं इसको नीचे स्क्रॉल करूंगा तो नोटिफिकेशन बार ओपन नहीं होगा, मतलब कि ये हाइड हो चुका है। तो यदि आप भी अपने मोबाइल में कुछ इस प्रकार से नोटिफिकेशन बार को हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स बिगिन। तो अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन बार को हाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने फ़ोन में सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स जैसे ही ओपन हो जाएंगी तो उसके बाद आपको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और स्क्रॉल करना है और इसमें सबसे लास्ट में जो ऑप्शन दिखाई देगा, आइटम शोन ऑन द लॉक स्क्रीन आफ्टर स्वाइपिंग डाउन, तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दो ऑप्शन दिखाई देंगे। आपके फ़ोन में ये वाला ऑप्शन ऑन होगा तो इसको ऑफ़ करना है। आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार की स्टेटस होगा तो इसको ऑफ़ करना है। अब देखिए, यदि मैं इसको ऑन कर दूंगा और फिर इसको बंद करके दोबारा से ये करूंगा तो यहाँ पर स्वाइप डाउन करूंगा तो आप देखेंगे कि स्टेटस बार दिखने लगा है। लेकिन यदि वापस से मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ और उसके बाद यदि मैं लॉक करके दोबारा से लॉक करता हूँ और उसके बाद दोबारा से इसको स्वाइप डाउन करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ से ये लॉक हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन बार को हाइड कर सकते हैं। और ये हाइड करने का एक सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है ये होता है कि जो भी आपके फ़ोन के जो भी इम्पॉर्टेंट फीचर्स जैसे वाईफाई, ब्लूटूथ, लोकेशन, ये कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा यदि आप उसको फ़ोन लॉक करके अपना मोबाइल देंगे तो वो एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार से आप अपने मोबाइल में नोटिफिकेशन बार को हाइड कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप मोबाइल से रिलेटेड और भी टिप्स एंड ट्रिक्स को जानना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिख रही इस प्लेलिस्ट को क्लिक करके देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।